हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तव मम्स किचन। तो आज हम बनाएंगे अंडा और आलू की सब्जी। तो ये देखिए, इसका कलर कितना सुंदर हुआ है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये। तो आप भी बना सकते हैं इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पर आलू स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं डाली हूँ आलू। तो चलिए बनाना करते स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 2 आलू, इसको अच्छे से कर लूँगी कट लंबा लंबा। तो ये हमारी आलू हो चुकी है कट के रेडी। अब इसको धो के निकालेंगे, एक बाउल में रखेंगे। और यहाँ पर मैं ली हूँ मसाले के लिए 2 प्याज, 1 टमाटर, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा मिर्ची। इसको मैं कट करके धो के रखी हूँ बाउल में। अब इसका बनाएंगे एक पेस्ट। यहाँ पर मैं एक जार ली हूँ, जार में रखूँगी ये और थोड़ा सा रखूँगी पानी और इसका अच्छे से बना लेंगे पेस्ट। अब यहाँ पर एक बाउल में मैं रख रही थोड़ा सा दही 2 चम्मच के लगभग। और इसके बाद ये डाली मसाले। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सूखा मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और हल्दी। उसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। अब इसमें डालेंगे आलू। इसको भी कर देंगे इसमें मिक्स अच्छे से और इसको रखेंगे आधा घंटा के लिए लगभग मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ पर मैं अंडा को कर ली थी बॉयल और छिलका निकाल के इसमें टूथपिक से कर रही हूँ छेद, ताकि इसमें नमक अच्छे से घुस सके। अभी इसमें नमक हल्दी इसको कर रही मिक्स। अब यहाँ पर मैं ली एक कढ़ाई, इसमें डालूँगी तेल। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। इसके बाद डालेंगे हमारा अंडा। और इसको करेंगे फ्राई लाल होने तक। तो ये हो चुके लाल। अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और ये हम लोग पहले रखे थे मैरिनेट होने के लिए, उसको डाल देंगे इसी तेल में। अब इसको अच्छे से पकने देंगे। इसका ढक्कन कर दूंगी बंद। अब ये लगभग हो चुके मसाले पक के रेडी। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। पानी को अच्छे से बॉयल होने देंगे। इसके बाद डालूंगी अंडा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाल दी हूँ धनिया और इसको भी 2 मिनट तक पकने देंगे। और ये बस बन के हो चुकी है रेडी। अब इसको निकाल लेंगे एक बाउल में।
अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।